हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है नानी की रेसिपी में। मैं आपको आज बताने जा रही हूँ, जैसे मौसम चल रहा है सर्दियों का, तो इसमें खांसी जुकाम बच्चों को बड़ों को सबको अक्सर करके खांसी जुकाम हो जाता है सर्दी का मौसम है। तो इसलिए मैं आप नानी की रेसिपी में मैं आज आपको दिखाना चाह रही हूँ काढ़ा। तो चलिए ये शुरू करते हैं हम इसको। और ये हमने आधा लीटर पानी लिया है, इसमें मैं आधा लीटर पानी डाल रही हूँ इसमें। ये आधा लीटर पानी ले लिया इसमें। अब मैं इसमें क्या क्या डालना चाह रही हूँ, मैं इसमें डालूँगी, ये मैंने तुलसी के पत्ते लिए हैं, ये 5-6 तुलसी के पत्ते हैं। ये सबके घर में तुलसी होती है, हर घर में ये तुलसी मिलेगी आपको। तो ये तुलसी का कितना बड़ा फ़ायदा है, इसमें बहुत चीज़ों का फ़ायदा है। आपके वैसे भी गले को भी अच्छा रखती है, बुखार में भी फ़ायदा देती है, खांसी जुकाम में भी फ़ायदा देती है। तो इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं तुलसी के, जैसे आप जानते हैं। तो मैं इसमें ये डाल रही हूँ। ये दालचीनी है, इसमें ये ऑयल भी काफ़ी होता है दालचीनी में, आपने देखा हो इसमें ऑयल होएगा, ये भी आपको बहुत फ़ायदा देती है ये दालचीनी। मैंने ये 2 टुकड़े लिए हैं, 1 इंच में से ये 2 कम लिए मैंने, तो ये बहुत फ़ायदा दालचीनी देती है सर्दी जुकाम में। तो मैं ये भी डाल लूँगी इसमें। ये मैंने अदरक का 1 इंच का टुकड़ा ले लिया है, तो ये भी मैंने कूट लिया है इसमें, तो मैं ये भी डाल रही हूँ इसमें। ये देखिए, ये मैंने सौंठ लिए, जो अदरक सूख के ये सौंठ बनती है, मार्केट में मिल जाएगी आपको ये। तो ये सौंठ भी बहुत फ़ायदेमंद होती है खांसी में, जुकाम में, ऐसी भी आपको हो जाए तो इसमें बहुत फ़ायदा करती है। ये भी मैंने डाल लिया। ये काली मिर्च मैंने, ये 10 से 11 मैंने ये काली मिर्च ली है, मैंने कूट ली है थोड़ी सी, तो ये भी बहुत फ़ायदा देती है, ये भी खांसी जुकाम में बहुत फ़ायदा देती है ये। तो ये भी मैं डाल रही हूँ। ये लौंग है, ये काढ़े में बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें डालनी। तो ये लौंग है, लौंग का भी हमें बहुत फ़ायदा मिलता है, आप देख रहे हो इसमें खुशबू भी इसकी अच्छी होती है और खांसी जुकाम में भी अच्छी रहती है, बुखार भी आ जाए तो इसमें चाय में डाल के भी पीते हैं, तो ये मैं काढ़े में डालती हूँ। ये बड़ी इलायची है, बड़ी इलायची के बहुत फ़ायदे हैं इसके, इसमें भी ऑयल होता है इसमें वैसे, और ये भी खांसी जुकाम में उसमें बहुत फ़ायदा देती है। तो इन बारे में ये डाल रही हूँ। अब मैं आपको ये एक चीज़ बताना चाह रही हूँ कि ये मैंने काला नमक लिया है, ये मैंने आधा छोटा चम्मच काला नमक लिया है ये मैंने, और मेरे घर में नमकीन पसंद करते हैं काढ़ा, तो मैंने इसलिए नमक लिया। बाकी आप ये गुड़ भी डाल सकते हो इसमें, तो ये मैं नमक डाल रही हूँ इसमें। ये देखिए, अब हम इसको 8 से 10 मिनट के बीच में हम इसको उबालेंगे, इसको ये पानी हमारा आधा रह जाएगा तो ये हमारा काढ़ा तैयार हो जाएगा। तो मैं इसको अभी ढक रही हूँ, मैं इसको उबालूँगी, इसको उबाल आ जाएगा। देखिए, अब हमारा काढ़ा बनके ये तैयार होने वाला है, बस 2 मिनट बाकी हैं, ये हमारा काढ़ा तैयार हो जाएगा। जैसे मैंने खांसी जुकाम के बारे में तो आपको बता ही दिया है, लेकिन आजकल मुश्किल दौर से गुजर रहा है हमारा देश, जिसमें कोरोना चल रहा है, तो उसके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। इसमें डॉक्टरों से बचने के लिए हम क्यों ना अपने घर में अपना बचाव करें, डॉक्टर से जब बीमार हो जाएं उसके बाद हम इस चीज़ पे जाएं, तो उससे पहले हम बीमार होने से पहले हम ये काढ़ा बना के पिएं, तो हम बीमारी नहीं पड़ेंगे। हमारे घर में बड़े बूढ़े हैं, बच्चे हैं, सब हैं, तो हम पहले से पहले अपना ध्यान रखें इस चीज़ का, जैसे कोरोना से बचाव के लिए ये बहुत बढ़िया चीज़ है। ये एक बार ट्राई ज़रूर करें इसको, और ये बड़ों को पिलाएं, छोटों को पिलाएं, सब पिएं इसको, बहुत अच्छा है। तो ये अब जैसे ये आप देख रहे हैं, ये बन चुका है, इसमें मैंने ये लिया था, अब ये मेरा पानी ये आधा रह चुका है इसमें, और मैं ये गिलास में डाल रही हूँ इस तरीके से। ये देखिए कैसा इसका कलर आया, देखिए बहुत बढ़िया इसका कलर आया है, ये देखिए बहुत बढ़िया कलर आया है इसका। आप इसको बनाएं और पिलाएं, और मेरे को एक बार ज़रूर ये बताएं आपको ये कैसा लगा इसमें, मेरे चैनल पर आप इसको विजिट करके ज़रूर मुझे बताएं इसको। थैंक यू।